బ్యాక్ టు న్యూస్. బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఒకే నాణానికి రెండు ముఖాలు లాంటి వారిని ప్రధాని మోడీ ఫైర్ అయ్యారు. రెండు పార్టీల మధ్య కుంభకోణాల బంధం బలంగా ఉందన్నారు. వారి ఆటలు ఎక్కువ రోజులు సాగవని, సర్జికల్ దాడులతో పాటు ఎయిర్ స్ట్రైక్ చేయడం తమకు తెలుసని హెచ్చరించారు ప్రధాని. बीआरएस सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया. आप जानते ही हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं. बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है. घोटाला बंधन है उनका. गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है. इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए. कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है. एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है. लेकिन इसके लिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए.